तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो मैंने क्या देखा था, ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू लाइटनिंग, लाइटनिंग कारण जो ओवर वोल्टेजेस होते हैं वो हम देखे थे, राइट, हमने देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे, उसी ओवर डायरेक्ट जो आपका लाइटनिंग स्ट्रोक है उससे अपने ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए वो क्यों चाहिए, प्रोटेक्टिव जो मेथड्स हम यूज करेंगे क्यों करेंगे, क्या किस चीज के लिए, टू अवॉइड द फ्लैश ओवर, ठीक है। और क्यों, क्योंकि आपका जो लाइन जो इंसुलेटर होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू हाई वोल्टेजेस, ठीक है। जो आपकी डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक होती है, फर्स्ट क्या आपना जो फ्लैश ओवर होगा आपने लाइटनिंग डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण उसको हटाने के लिए, और ब्रेक डाउन ऑफ लाइन इंसुलेटर, ठीक है। जो आपके मतलब जो आपका जो मान लो जिस पे ट्रांसमिशन लाइन पे आपकी डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक गिरती है, लाइटनिंग जो गिरती है तो उसका क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का भी, ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर्स वगैरह होते हैं, तो क्या होगा वो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए तो डिजाइन किए होते हैं, मान लो कि इतने वोल्टेज तक वो बेयर कर सकते हैं उस वोल्टेज को। लेकिन क्या होता है कि जब लाइटनिंग स्ट्रोक उस पर गिरती है तो क्या होता है, उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, तो उसके उसका इंसुलेशन क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, मेथड्स यूज करते हैं ताकि हम इस चीज से अपने जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो देखो, जो मोस्ट एक्सेप्टेड और इफेक्टिव मेथड है फॉर द प्रोटेक्टिंग लाइन अगेंस्ट द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक वो क्या है आपका, ओवरहेड जो ग्राउंड कंडक्ट ओवरहेड ग्राउंड वायर्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइटनिंग डायरेक्ट जो लाइटनिंग स्ट्रोक है, तो जो हमारा क्या होता है कि अपने मान लो कि अपना ये ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, ठीक है, ये टावर है आपका, ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर में हम क्या करते हैं आपका ओवरहेड ग्राउंड वायर्स लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो लाइट होगा इस पे मतलब ना आके वो क्या हो जाए, आपके जो ग्राउंड वायर्स हैं, ओवरहेड ग्राउंड वायर्स हैं उस पे आके गिरे और वो क्या हो जाए आपके ग्राउंड के थ्रू उसे डिस्चार्ज कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका इफेक्टिव मेथड है वो क्या है, आपका ओवरहेड ग्राउंड वायर्स यूज करते हैं हम लोग टू प्रोटेक्ट आवर ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, ठीक है, समझ गए। और ये क्या होता है, दिस मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ शील्डिंग मेथड, राइट, एंड विच इज डज नॉट अलाउ ए आर्क पाथ टू फॉर्म बिटवीन अ लाइन कंडक्टर एंड ग्राउंड। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस मतलब आर्क फॉर्म नहीं करने देता आपके लाइन कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में, समझिए यहां तक। तो देखो, ये ग्राउंड मैंने बोला था ना कि क्या यूज करते हैं, आपके ओवरहेड ग्राउंड वायर्स यूज करते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो ग्राउंड वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, द ग्राउंड वायर्स आर कंडक्टर्स, वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं विच इज रनिंग पैरेलल टू द मेन कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो आपके मेन जो ट्रांसमिशन जो मेन ट्रांसमिशन लाइन के जो मेन कंडक्टर्स होते हैं उसके साथ ये क्या होते हैं, पैरेलली लगे होते हैं, ठीक है, एंड दे आर सपोर्टेड ऑन द सेम ट्रांसफॉर्मर, राइट, एंड ग्राउंडेड एट द एवरी ट्रांसफॉर्मर एंड सपोर्ट। ये क्या होते हैं, आपके जो मेन जो ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्ट ट्रांसमिशन लाइन पे जो कंडक्टर्स होते हैं उसके पैरेलली ये भी लगे होते हैं, और ये किससे सपोर्टेड होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं आपके, बताओ किससे कनेक्टेड होते हैं, सपोर्टेड ऑन द सेम मतलब सेम टावर जिसपे आपका ये ट्रांसमिशन लाइन लगा हुआ है, एंड दे आर ग्राउंडेड एवरी टावर, दे आर ग्राउंडेड एट एवरी टावर, ठीक है, और वो क्या होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं आपके सारे टावर पे, राइट। ये किससे बने होते हैं, आपके जो कंडक्टर्स होते हैं आपके ग्राउंड वायर कंडक्टर्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ गैल्वनाइज स्टील वायर्स, ठीक है, गैल्वनाइज स्टील वायर से बने होते हैं, या ACSR, ठीक है, ACSR कंडक्टर से बने होते हैं, राइट। तो ये क्या होते हैं, दे प्रोवाइड शील्ड टू द लाइन अगेंस्ट द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक बाय अट्रैक्टिंग द लाइटनिंग स्ट्रोक टू देमसेल्फ रादर देन अलाउइंग देम टू स्ट्राइक ऑन द लाइन। ये क्या करते हैं, आपके एक शील्ड बना देते हैं आपके लाइन का, जो लाइन मेन कंडक्टर लाइन कंडक्टर्स हैं उसके अराउंड, वो क्या करते हैं, मान लो कि जैसे लाइटनिंग स्ट्रोक आता है तो वो क्या करते हैं, इसकी ओर ना बढ़ने देते हैं आपके मेन कंडक्टर को, वो क्या करते हैं अपनी ओर उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो अपनी ओर उसे अट्रैक्ट करते हैं और आपके जो मेन कंडक्टर है उसकी ओर जाने से उसे रोक देते हैं, ठीक है।
तो देखो, जब आपका जो वो लाइटनिंग स्ट्रोक जब इस पे गिरता है आपके ग्राउंड वायर कंडक्टर्स पे, तो क्या होता है वो इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस उसका रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। और इस मतलब इस तरह से आपका क्या हो जाता है, जो वायर होता है वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है आपका जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक है इस पे ना गिर के आपके ग्राउंड वायर पे गिर जाता है। ठीक है, तो देखो, तो ये तो मैंने बता दिया ये क्या करता है आपका कि ओवरहेड जो ग्राउंड वायर है प्रोटेक्ट द लाइन बाय इंटरसेप्टिंग द डायरेक्ट स्ट्रोक एंड कीपिंग देम ऑफ टू द ऑफ द फेज कंडक्टर। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग द मल्टीपल पाथ फॉर कंडक्टिंग द स्ट्रोक करंट टू अ ग्राउंड। ये क्या कहते हैं, मल्टी जैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करके फिर क्या कहते हैं मल्टीपल पाथ प्रोवाइड करते हैं इस जो आपका करंट करंट आता है वो क्या होता है मल्टीपल पाथ के थ्रू क्या हो जाता है डाउन ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो क्या होना चाहिए आपका बहुत ही लो होना चाहिए ताकि आपका जो करंट है उसके थ्रू क्या हो सके फ्लो हो सके। ठीक है, तो देखो जो आप ग्राउंड वायर्स जो प्लेस्ड करते हो मतलब एक क्या होना चाहिए ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली आपके कंडक्टर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है पॉसिबिलिटीज हो जाती है शॉर्ट सर्किट होने की। मान लो कि जैसे मतलब आपकी हवा चल रही है या फिर जो आइस आइस वगैरह होता है तो उसके आइस लोडिंग के कारण जहां पे स्नोफॉल वगैरह हो रहा है तो आइस लोडिंग के कारण क्या होता है उस पर वेट बढ़ेगा तो वो क्या होता है दोनों टच होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर आपके हवा के कारण जो स्विंग करता है कंडक्टर्स तो वो फिर टच होने के चांसेस होते हैं, तो टच होंगे तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो ग्राउंड कंडक्टर्स होता है एग्जैक्टली कंडक्टर्स के ऊपर प्लेस्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें ना कुछ टर्म्स हैं आपके कि मतलब कितने डिग्री कितने एंगल पे हमें प्लेस करना चाहिए, कितने हाइट पे हमें प्लेस करना चाहिए आपके ग्राउंड कंडक्टर्स, तो वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है,